हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बजे हैं अभी सुबह के 8, एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई वुड बी डिवाइडिंग दिस ट्रिप इनटू अ कपल ऑफ सेगमेंट्स। तो आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। तो हम अभी वही पंचगणी में ही रुके हुए हैं, वही रिजॉर्ट में जो कि दादाजी का विला है। मेरे दादाजी का नहीं है, इस विला का नाम है दादाजी का विला। अभी हम जस्ट यहाँ से निकलेंगे। महाबलेश्वर यहाँ से कुछ अराउंड लाइक 20 किलोमीटर्स है, और हमको शायद यहाँ से लग जाएंगे अराउंड आधा से एक घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे आप अगर समर्स में आ रहे हो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत आइए, आप डिसअपॉइंट होंगे। बिकॉज मैंने जैसे कि पहले ही भी कहा था कि ये सब सारी जो जगह है ये सब मानसून वाली जगह है, या पोस्ट मानसून में आपको आना चाहिए। लेकिन आप समर्स में भी आ रहे हो तो अभी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं आता है, यहाँ पे अभी भी मैंने देखा था कल पंचगणी में पूरा लाइक मार्केट फुल था, बहुत जगह ट्रैफिक था। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव। चलो तो पहला स्पॉट हम आ गए हैं, ये पंचगणी से महाबलेश्वर जाते हुए आता है, महाबलेश्वर के पास ही है लिंगमला वाटरफॉल्स। ये स्पॉट एकदम ज़बरदस्त लगा मुझे, तो जंगल के बीच में। वैसे आपको ये सब जंगल में नहीं जाना है, वहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो रास्ता है, एक लेफ्ट को जाता है एक राइट को जाता है। तो राइट वाले में बड़ा फॉल्स है और लेफ्ट वाला छोटा फॉल्स है। तो राइट अगर जाएंगे तो वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ़्ट वाले में फॉल्स हमको मिलेगा। तो ये जो छोटा वाला फॉल्स है वो 100 मीटर है, और जो बड़ा फॉल्स है उसका नाम है धबधबा, जो कि 500 मीटर है, मतलब डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से। खैर मैं ये पहला स्पॉट देखे तो पहले ही इंप्रेस हो गया, तुम लोग का क्या कहना है? हाँ, ये बेटर है, ये बेटर है। यहाँ वॉक करने अच्छा लग रहा है। हाँ, हवा भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है, धूप भी पता नहीं चल रही है और ग्रीन भी है। तो हम लोग व्यू पॉइंट पर आ गए हैं बड़ा वाला वाटरफॉल का, वो देखिए। तो आप अगर मार्च के बाद आ रहे हो तो ऐसा ही देखने मिलेगा। लोगों का दिमाग देखिए, लोगों ने ऐसे जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स डाला है, हर जगह जो गार्बेज डाला है ऐसे ऐसे जगह पे डाला है जहाँ पे कोई जाके उठा भी नहीं सकता इसको, ऐसे कैसे चलेगा। हम आ गए हैं छोटे वाले फॉल्स, और ये तो मस्त फॉल्स है, वाह, छोटा सा फॉल्स है लेकिन बहुत अच्छा है। पता नहीं स्विमिंग अलाउड है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी गहरा है। इधर जो ब्रिज है दोनों पानी के बीच में, मॉनसून में तो पूरा भर जाता है, अभी तो पानी का लेवल थोड़ा लो है। यहाँ ये चीज़ सही है, बिल्कुल धूप नहीं है, मतलब इतने पेड़ है ना कि आपको धूप लगेगी ही नहीं यहाँ पर, लेकिन अच्छी जगह है। तो अभी हम आ गए हैं केट्स पॉइंट। तो इस केट्स पॉइंट में एटलीस्ट 4 पॉइंट है, सब बगल में हमें लगे एक ही एरिया है। तो यहाँ पे है केट्स पॉइंट, एको पॉइंट, नीडल्स होल और एलिफेंट्स हेड। यहाँ पे हर एक साइड एक ना एक पॉइंट है। तो एको पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आप अगर चिल्लाओगे तो वो एको करेगा। ये कौन सा पॉइंट है भैया? वाओ, केट्स पॉइंट, ये केट्स पॉइंट बोलते हैं इस वाला को, वो क्या था उधर लिखा है नाम। अच्छा अच्छा, ये है केट्स पॉइंट। तो ये है एको पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है एको पॉइंट, आई मीन दोनों सेम ही है। उधर वाला जो पॉइंट है उसको गेट्स पॉइंट बोलते हैं, और इधर वाले को एको पॉइंट बोलते हैं। यार यहाँ तो मैं पक्का पोस्ट मानसून आने वाला हूँ फिर से। एक्चुअली नीडल्स पॉइंट और एलिफेंट्स हेड एक ही जगह है, क्योंकि आप अगर वो देखोगे तो उसका राइट साइड अगर देखोगे तो वो रॉक लगता है एलिफेंट हेड, और उसके जस्ट बगल में जो एक होल है वो उसको नीडल होल बोलते हैं।
अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्पॉट पर जो कि है एल्फिन स्टोन पॉइंट। ये भी एक व्यू पॉइंट है भाई, ये पॉइंट यार अभी तक का सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को ये लगा। मुझे लगा किड्स पॉइंट जो है वो सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट रहेगा, लेकिन एल्फिन स्टोन आने के बाद लग रहा है ये सबसे बेस्ट है। सच में अमेजिंग यार, ये मेरे को लगता है मस्ट विजिट स्पॉट है महाबलेश्वर में एल्फिन स्टोन पॉइंट। द ओनली थिंग आई एम फीलिंग बैड अबाउट इज़ कि हम लोग मानसून में नहीं आए हैं, समर्स में आए हैं, क्योंकि मानसून में इसकी ब्यूटी लाइक नेक्स्ट लेवल होगी, ट्रस्ट मी। आई थिंक वो प्रतापगढ़ फोर्ट है, दैट वन। एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीनरी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, मतलब वो व्यू जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अगला स्पॉट आ गए हैं वीना लेक महाबलेश्वर में, और ये बोटिंग के लिए जाना जाता है। आई थिंक यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम में बेस्ट टाइम रहेगा आने का। बोटिंग करेंगे क्या यहाँ पे? हाँ। चलो जो खुद ना चलाने पड़े। रोइंग बोट आप खुद करेंगे तो 400, वो उसका 600 रुपया है। उसमें कितना आदमी लोग आते हैं? चार है तो चार ही लोग जाएंगे। अच्छा, उसके ऊपर वो शेड लगा हुआ है, और वो पैडल वाला आपका पूरा ओपन है। आपको खुद ही करना। अच्छा, तो ये आपका जो है ये कितना दूर तक का राइड रहेगा? सामने वो पत्थर दिख रहे हैं, हाँ उधर तक जाएगा। कितना मिनट का है? 25 मिनट का राइड। 25 मिनट रहेगा पूरा मिला के। तो ये है रोइंग बोट और पैडल बोट। रोइंग बोट का 400 रुपये आधा घंटे का, और पैडल बोट आप खुद पैडलिंग करते हो तो 600 रुपये पड़ेगा एक घंटे का। यहाँ से उठाएंगे अब हम जैकेट, कंडीशन तो सही है। इसमें कितना लोग आ जाते हैं भैया? 6 लोग आते हैं।